मिश्रा साथ बहुत किसानों ने लिया है, तो उन किसानों को दोबारा इस सीजन में दोबारा 7,000 एक किले के हिसाब से 7,000 रुपये दोबारा मिलेंगे। उसकी शर्त सिर्फ इतनी है, मान ले खरीफ 2019 में जिसका धान था, खरीफ 2020 में उसने धान की जगह कपास मक्का बीज के 7,000 रुपये किले के हिसाब से पैसे ले लिए सरकार से, ठीक है, उन्हीं खेतों के उन्हीं किले मुरब्बे के दो इस सीजन में खरीफ 2021 में 7,000 रुपये किले के हिसाब से दोबारा वो पीछे दोबारा मिलेंगे। उसकी शर्त सिर्फ इतनी है, उन खेतों में धान नहीं बीजना और बाजरा नहीं बीजना, बाजरा के कोनी मिले धान के कोनी मिले, इन फसलों को छोड़ के अगर कपास मक्का मूंगफली सोया किसान बीज लेता है तो 7,000 किले के हिसाब से उसे दोबारा मिलेंगे। और यहाँ तक कि खेत खाली भी छोड़ दे किसान, खेत को खाली भी छोड़ देना तो भी उसने 7,000 किले के मिलेंगे। पिछले सीजन में जिसको 7,000 के हिसाब से मिले ना, इस सीजन में दोबारा मिलेंगे, खाली भी छोड़ दे दो, बस उसमें धान नहीं बीजना और बाजरा नहीं बीजना, ठीक है जी। ये मुख्य बातें हैं। इसके लिए किसान को क्या करना है, सबसे पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पंजीकरण है वो करवाना है, और साथ में मेरा पानी मेरी विरासत का पंजीकरण कंप्यूटर वाली दुकान जो साथ में है इस पे पंजीकरण करवाना है। और जो मेरा पानी मेरी विरासत का पंजीकरण है वो अलग से करवाने की जरूरत होनी, जो मेरे फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण कराओगे उसी में क्लिक करके टिक करके मेरा पानी मेरी विरासत का जो पंजीकरण है ना गेल के गेल उससे में हो जाएगा, उसका न्यारा करवाने की जरूरत पड़ो, ठीक है। तो आज कल मैं जितना जल्दी हो सके ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण और साथ में मेरा पानी मेरी विरासत का पंजीकरण कंप्यूटर की दुकान पर जितना जल्दी से जल्दी हो सके सारे किसान भाई ये पंजीकरण जो है जरूर करवाए, क्योंकि जिसका 7,000 रुपये किले का उसी ने मिलेगा जिसका पंजीकरण होगा, जिसका पंजीकरण नहीं होगा उसको ये अनुदान जो है सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा। तो ये मुख्य बातें हम आपको बताने के लिए आपके गांव में हाजिर हुए हैं। और इसके अलावा दूसरा और कोई बात तो आपको जो तीन चार मुख्य मुख्य बातें हैं उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। आप सरकार की कृषि विभाग सरकार की तरफ से जो है दो तीन मुख्य योजनाएं कृषि विभाग की तरफ से चल रही हैं, तो उसमें जैसे आपने देखा होगा जल शक्ति अभियान चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि खेतों में ज़मीन के नीचे जो है पानी का लेवल दिनों दिन नीचे जा रहा है और पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। तो उस पानी की कमी को बचाने के लिए सरकार पानी को बचाने के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ चलाई हैं, जिसमें सबसे मुख्य है मेरा पानी मेरी विरासत। उस योजना के तहत कोई भी किसान भाई जो पिछले साल धान का खेत था जिसका किला मुरब्बा जो खेत में धान था। लोगों मेरा नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार है और मैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंटेड हुआ हूँ, आफ्टर प्रमोशन मेरी यहाँ पे हुई है। तो आपके गांव से वैसे मैं पहले भी यहाँ दो चार बार आया हूँ और इस गांव के अंदर हमारे एक डॉक्टर कृष्ण शिवाज हुआ करते हैं, कृष्ण शिवाज यहाँ पे वो थे और उनकी बेटियाँ शायद एक्सपायर हुए थे एक एक्सीडेंट में, तब मैं आया था यहाँ पे और वो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी मित्र क्या हमारे गुरु ही लगा लो आए हैं। वो मेन जो है कि हमारे पानी का जो आजकल चला हुआ है जल शक्ति अभियान, इसके तहत कौन कौन सी स्कीमें आई हुई हैं और हम पानी की कैसे बचत कर सकते हैं उसके बारे में, और उस बचत करने के साथ साथ हम जो हमारी गवर्नमेंट से हमारे एग्रीकल्चर विभाग से जो ऐसे अनुदान है जो ऐसी सब्सिडियां मिलनी है जिस किसान को, उसके बारे में थोड़ा सा जैसे डॉक्टर संजय ने बताया कि भी जो कोई भी किसान जिसने 2019 के अंदर उसी मरबा के उस किले में मान लो एक मरबा है 25 नंबर मरबा, उसके 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर